हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि आपको पता है, गर्मी का कहर चल रहा है, इसलिए आज हम बनाएंगे मैंगो शेक। ये मैंगो शेक हम घर की रखी चीज़ों से ही बनाएंगे, कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, स्मूथ और थिक बनेगा। आसान तरीके में बनाएंगे तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंगो शेक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो मैंगो ले लिए। ये मैंने पीले कलर के मैंगो लिए, आप जैसा कि देख ही सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैंगो जब आप ले रहे हो तो आपके मैंगो थोड़े मीठे होने चाहिए। मैंगो को एक बारी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, अब हम इसे अच्छी तरीके से पील कर लेंगे और इसे अब हम टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो क्यूब्स में काट सकते हैं या रफली, किसी भी तरीके से इसे हमें कट करना है। यहाँ पे मैंने दोनों ही मैंगो को अच्छे से काट लिया है, तो चलिए अब शेक बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। शेक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 ग्लास दूध के लिए हैं। दूध जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो फुल फैट क्रीम वाला दूध होना चाहिए। आपको जितने ग्लास बनाने हैं आप उस हिसाब से दूध ले सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मलाई। मलाई डालने से ये थोड़ा थिक होगा, साथ ही साथ हम इसमें डाल देते हैं चीनी। तो चीनी हम हिसाब से ही डालेंगे क्योंकि हमारे आम भी थोड़े मीठे हैं, इसलिए मैं 4 टीस्पून के करीब इसमें चीनी डाल रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे मैंगो जिसको मैंने चॉप कर लिया था, थोड़ा सा हम बचा देंगे गार्निश के लिए भी। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर की सहायता से अच्छी तरीके से ग्राइंड कर दूंगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप सिंपली इसे मिक्सी जार में डाल के इसका स्मूथ टेक्सचर की तरीके से आप इसका शेक तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हैंड ब्लेंडर था तो मैं उसकी मदद से इसको अच्छे से करीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ, जब तक इसका स्मूथ टेक्सचर ना आ जाए। दो से तीन मिनट के बाद यहाँ पे देखिए हमारा मैंगो शेक बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब चलिए इसको हम एक सर्विंग ग्लास में डाल देते हैं। दोस्तों, मैंगो शेक की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगने पे इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ये मैंगो शेक की रेसिपी अपने घर में और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करना, घर में रहना, स्वस्थ रहना। बाय दोस्तों, वापस मिलूंगी ऐसी ही एक नई और इनोवेटिव रेसिपी के साथ।